कार्डानो को बिलाकर अपनी गलती का एहसास होने लगा है। इन्होंने मार्केट में रहने के लिए अपनी ब्लॉकचेन में ना सिर्फ तब्दीलियां शुरू कर दी हैं, बल्कि अपने फारिग प्रोजेक्ट्स को चेन से हटाने का अमल भी शुरू कर दिया है। अपनी गवर्नेंस और नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए अब ऐसे बहुत से इकदाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो एक अच्छा बुलरन हासिल कर लें। लेकिन कहीं इस सब में बहुत देर तो नहीं हो गई, यही बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। Let's dive deep. मैंने कार्डानो पर जब आखिरी वीडियो बनाई और उसमें उसके डेड प्रोजेक्ट्स की बात की तो नीचे कमेंट्स में काफी गालियां पड़ी। लोगों ने कहा कि देखना कैसे ये तबाही मचा देगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ एक रिसर्च डेटा था और उसमें मेरी अपनी राय नहीं थी। उसी डेटा की बुनियाद पर मैंने कहा था कि कार्डानो को अपने प्रोजेक्ट में बड़ी तब्दीलियां लानी होंगी, वरना वो कभी भी इस बुल रन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहां ऐसे प्रोजेक्ट्स ही नहीं जिसकी खातिर लोग वहां पर जाएं और इन्वेस्ट करें। लेकिन बहरहाल कार्डानो की अमेरिका में कम्युनिटी मजबूत है और इस वजह से वो अब तक सर्वाइव कर रहा है। अब बिलाखिर कार्डानो को यह बात समझ आई है। अगर आपको याद हो तो कार्डानो ने 5 फेज में खत्म होना था या मुकम्मल होना था और उनका पिछले साल वोल्टेयर फेज आना था, जिसके बाद कार्डानो की ब्लॉकचेन मुकम्मल हो जानी थी। अगर आप नए हैं तो ये ऐसे ही है। कार्डानो एक वाहद ब्लॉकचेन थी जो पिछले 9 साल से बन रही थी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। ब्लॉकचेन भी अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं, वक्त के साथ बेहतर करती हैं, लेकिन कार्डानो अभी बनने के फेज में थी। लेकिन यहां पर उन्होंने ब्रेक मारी क्योंकि उनका ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस बिल्कुल फारिग था। अगर आप वहां पर ट्रांजैक्शन करें तो उसमें कई कई मिनट्स लगते थे और एक हद से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। इसी वजह से वहां बेतहाशा प्रोजेक्ट्स आए और खत्म हो गए और ये मरे हुए प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेवयार्ड। बस इसी वजह से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में ब्रेक लगाई और वॉलेटियर से पहले एक चैंग नामी अपग्रेड शुरू कर दी है, जिसकी वजह से गवर्नेंस कम्युनिटी के पास आएगी। इसके साथ स्पीड और फीस पर भी कोई कमी आएगी, लेकिन असल कहानी कुछ और है। बुनियादी तौर पर कम्युनिटी चाहती है कि कार्डानो को तब्दील किया जाए और इसमें मौजूद बुनियाद को तब्दील किया जाए ताकि इस ब्लॉकचेन की स्पीड बेहतर हो और इसके बहुत से मसाइल खत्म हो। इसके लिए कार्डानो के आर्किटेक्चर को तब्दील किया जाएगा, इसमें मौजूद लैंग्वेज को तब्दील किया जाएगा। अब ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आज इन्हें तब्दील करने की बात की जाए तो लोग कहेंगे कि कार्डानो टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर फारिग थी और ये लोग धोखा दे रहे थे। लेकिन जब बात कम्युनिटी की आएगी और कम्युनिटी के तहत कार्डानो की टेक्नोलॉजी को बेहतर किया जाएगा तो फिर ये बातें कम होंगी। फिर कार्डानो प्रोजेक्ट के हेड जो रोज लोगों को सोशल मीडिया पर एक नई कहानी सुनाते हैं, उनकी बातों और पुराने नजरियात पर ज्यादा तनकीद नहीं हो गई और वो भी आराम से कह देंगे कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और कम्युनिटी जो चाहती है वो हो रहा है, इसी वजह से इनका तो कोई कसूर नहीं। यू कार्डानो को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा और फिर इसमें मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा ताकि इसे बाकी ब्लॉकचेन्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। लेकिन बहरहाल इस सब के दौरान कार्डानो का डंग निकल जाएगा। जो कहते थे कि एक दिन बिटकॉइन भी कार्डानो पर चलेगा, उन्हें अंदाजा होगा कि कभी ऐसी कोई बात नहीं थी। अब यहां पर सबसे अहम सवाल कि कार्डानो कम्युनिटी चाहती क्या है। तो अगर आप उनके फोरम्स पढ़ें तो बुनियादी तौर पर उनका ख्याल है कि सबसे पहले उन्हें स्पीड और ट्रांजेक्शन कास्ट को कम करना है, उसके अलावा ब्लॉक साइज बढ़ाना है ताकि लोगों का ब्लॉकचेन एक्सपीरियंस नॉर्मल हो, उन्हें यह एहसास ना हो कि यह ब्लॉकचेन बिल्कुल फारिग है। इसी वजह से वो कॉस्मोस जैसे सिस्टम को लाना चाहते हैं जहां पर 20 के करीब वैलिडेटर्स हों ताकि सिस्टम तेजी से चले और जैसे ही अगले 20 वैलिडेटर्स के साथ की जरूरत पड़ जाए तो वो एक नई इंटीग्रेशन करके साथ एक नई ब्लॉकचेन बना ली जाए जिसे कार्डानो की सुपर चेन कहा जाएगा। अब ये बुनियादी तौर पर आर्किटेक्ट बिल्कुल भी नया नहीं है,
ये कई चीजों का चरबा है, मलगूबा है, मुख्तलिफ चीजों को मिक्स करके एक बनाने की कोशिश की जा रही है, और अब कार्डानो इस चरबे का इस्तेमाल करेगी। लेकिन इसके बहुत से फायदे होंगे, जैसे कि कार्डानो कम्युनिटी को यह बयानिया मिलेगा कि बिल आकर हमने टेक्नोलॉजी बना ली है, उनका एक नैरेटिव होगा, फिर उनकी कम्युनिटी पूरी दुनिया में शोर मचाएगी, उसके बाद मजीद लोग उसे खरीदेंगे। असल बात सिर्फ यह है कि अमरीकी कम्युनिटी आपके पीछे हो तो बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि अमेरिकन के पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो लोग ये देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में कितने अमरीकी मौजूद हैं। अगर वो मौजूद होते हैं तो पैसा मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स में ही जाता है, यूं फिर उसमें पंप आता है। कार्डानो भी अपनी ब्लॉक चेन को काबिल इस्तेमाल बनाकर अपने अच्छे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करके एक बार फिर ये बयानिया बनाएंगे कि हमने कामयाबी हासिल कर ली, वी आर सक्सेसफुल। बस अमरीकी कम्युनिटी शोर मचाएगी, सोशल मीडिया पर फिर कार्डानो कार्डानो होगा, इन्फ्लुएंसर्स भी सब बातें भूल जाएंगे, पैसे लेकर कार्डानो की तारीफें करेंगे और पंप शुरू हो जाएगा। यूं सब हंसी खुशी रह रहे होंगे और मुझे आकर कहेंगे कि हमने कहा था ना कार्डानो तो कमाल कर देगा। यकीन रखें, मुझे बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं किसी के प्रॉफिट्स पर नाराज होता हूं तो यार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अहम बात सिर्फ ये सीखी है कि कभी भी किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, लोगों से जलो मत, नो जेलसी, किस लिए, उनसे जेलस नहीं होना, बल्कि उनकी खुशी और कामयाबी पर खुश होना है, क्योंकि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है और जलन इंसान को अंदर से खा जाती है, वो कभी खुश नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मैं आपकी खुशी में खुश रहूंगा, लेकिन यहां पर ये नहीं मानूंगा कि ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी या इसने कोई कमाल किया है, बल्कि मैं यही कहूंगा कि ये एक फर्ग चीज है जिसने बहुत कुछ कॉपी करके अपने आप को बुलरन में बचाया है। हाँ, लोग पैसे देकर फैसला करते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से चलता हूं और उसके मुताबिक मैं अपनी बात भी कहता हूं। अगर आप में से किसी की भी दिल आजारी हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है, उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, और चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी फरमा दें, याद से घंटी जरूर बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वीडियो अपलोड करने में कभी कभार देर सवेर हो जाती है। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, एक्स की एक्टिविटी कुछ मसाइल का शिकार रहती है और उसकी वजह से मेरा भी वहाँ पर कुछ एक्टिव होने में मसलों का शिकार होता हूँ, लेकिन खैर जब जब मैं एक्टिव होता हूँ तो आप लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और अभी काफ़ी लोगों के मैंने जवाब भी देने हैं, तो उनसे माजरत के मैं कुछ मेरी तरफ से कुछ देर हो गई है, उसमें कुछ मेरे अपने जाती कुछ सेहत के मसाइल भी चल रहे होते हैं, तो मैं उन चीज़ों को भी देख रहा होता हूँ, तो मैं जल्द वहाँ पर आऊँगा और आपसे रब्ता करूँगा। इसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ, एरिना क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, किस तरह से है, इसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। शुक्रिया।